अभी आरुषि ने भी जो है वहाँ नैनीताल में एक अच्छा वहाँ शूटिंग का आयोजन किया था, तो मैं भी उसमें गया था। तो उसमें भी मुझे कई सारे जो कलाकार थे उन सब से साक्षात्कार का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मैं देश दुनिया में जाता हूँ तो पूछते हैं कि ये कुछ स्थान ऐसे हैं आपके, जैसे देहरादून है, अब ये हमारा लेखक गांव थानों का भी हो गया, ये भी आज से जो है देश दुनिया के मानचित्र में आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी, मुंशियारी, औली, इन नामों को चकराता हर कोई जानता है जो इस क्षेत्र में है। लेकिन जब वो मुझसे पूछते हैं कि और कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप आइए मेरे उत्तराखंड में और देखिए, आपकी नजर जिधर जाएगी, आप जिधर जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, एक नया डेस्टिनेशन होगा। क्योंकि ये हिमों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, और लगातार 12 महीने सबको जल और जीवन देने वाली हमारी यहां से पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना जैसी अनेक नदियां। तो भाइयों बहनों, जहां अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने हमारे यहां से अनगिनत लेखकों, कवि और विचारों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है, ऐसे प्रदेश में लेखक गांव का बनना, जिसका इनिशिएटिव आदरणीय निशंक जी ने लिया है, वो अपने आप में एक महान कार्य है। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक शुरुआत की है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि एक लेखक के अंदर जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा वातावरण आवश्यक है जो शांति, सौंदर्य और विचारों के स्वतंत्र प्रभाव से समृद्ध हो। जैसा पूज्य स्वामी जी ने बताया कि उनके अंदर पिछले 11 वर्षों से प्रत्येक दिन वो एक लिखते हैं, उनके जो विचार होते हैं उनको कहीं ना कहीं संकलित करते हैं, और लेखकों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो जहां उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें शांति और सौंदर्य का भी अनुभव करा सकें, साथ ही जहां हमारे विचारों का मुक्त आदान प्रदान और रचनात्मकता को नए आयाम मिले, और हम सभी को एक दूसरे से जानने का, सीखने का